ये रहा गजीबो। एकदम ये बोले सही है। जहाँ पे 1942 ए लव स्टोरी का सेट लगा था। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं आज इतना जल्दी निकल गया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी मैं निकल के कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं फिल्म सिटी, और लॉकडाउन जब से शुरू हुआ हम लोगों ने, हमारे प्रोडक्शन हाउस ने कुछ भी शूट नहीं किया, तो आज लॉकडाउन के बीच ही बोल लीजिए, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है लेकिन 100% लॉकडाउन खुला नहीं है, लेकिन हम लोग आज पहली बार शूट करने जा रहे हैं। मतलब व्लॉग शूट नहीं, प्रॉपर शूटिंग, जो मुंबई में शूटिंग होता है ना वो शूट करने वाले हैं। तो मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, फटाफट निकलते हैं, बाकी मैं आपको फिल्म सिटी जाके मिलता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं फिल्म सिटी के अंदर। बहुत ही अच्छा मौसम है तो अंदर हम लोग का शूटिंग चल रहा है, तो मैं आप लोग को लेके चलता हूं वहां पे। तो आप लोगों को अभी मैं लेके जाता हूँ फिल्म सिटी के अंदर एक छोटा सा तोड़ पे, हम लोग देखेंगे फिल्म सिटी में क्या क्या है। अभी हम पहुंचे फिल्म सिटी के अंदर के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एक ब्रिज है। आप लोगों ने ये ब्रिज बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा। ये जो ब्रिज है ये बहुत मशहूर है, बहुत सारे फिल्मों में, पुराने नए बहुत फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि किडनैपिंग होता है, कुछ भी ब्रिज के ऊपर ब्लास्ट होता है। और जो भी ब्रिज दिखाना होता है, गांव का हो शहर का हो, तो फिल्म सिटी के अंदर जो ये ब्रिज है इसी में वो सारे शूटिंग हुआ करते थे। और अंदर जाके थोड़ा, अभी जंगल हो गया, अंदर थोड़ा सा जगह है जहाँ पे 1942 ए लव स्टोरी का सेट लगा था। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को अभी दिखाते हैं वो मशहूर मंदिर जो हर फिल्म में हर सीरियल में आपको दिखने को मिलता है, जिसमें कोई भगवान नहीं रहता है। हर शूट के हिसाब से अलग अलग भगवान, कभी मंदिर बन जाता है, कभी शंकर भगवान का, कभी दुर्गा माता का, ऐसे ऐसे अलग अलग भगवानों का मंदिर बना दिया जाता है। कभी कभी तो शायद दरगाह मस्जिद भी बना दिया जाता है। तो अभी चलते हैं उस मंदिर के पास। अभी हम लोग फिल्म सिटी के एकदम ऊपर वाले हिस्से में पहुंचे हैं। यहाँ पे है छोटा कश्मीर, जो फिल्मों में कश्मीर दिखाया जाता है, तो ये वही लोकेशन है। यहाँ पे मैंने भी एक एड शूट किया था 2004-05 के आसपास में। तो ये रहा छोटा कश्मीर। दोस्तों मेरे पीछे जो आप इसको देख रहे हैं इसको गजीबो कहते हैं। इसमें बहुत सारे लव सीक्वेंसेस शूट किया गया है फिल्मों के, फिर ऐसे बहुत सारे एल्बम्स के गाने होने में भी इसको बहुत यूज़ किया गया है। ये छोटा कश्मीर का ही एक हिस्सा है। ये रहा गजीबो। तो आप लोगों को दिख रहा है कि पता नहीं, लेकिन ये दूर में पवई लेक है। ये भी कश्मीर का एक हिस्सा है जहाँ पे फिल्मों में, गानों में, सीरियल्स में कश्मीर दिखाया जाता है।
ये छोटा कश्मीर था, जहाँ पे कश्मीर का लोकेशन दिखाना होता है, कॉटेज दिखाना होता है तो उधर शूट करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वो मशहूर मंदिर जो हर फिल्म में हर सीरियल में आपको देखने को मिलता होगा। आपने शायद रिकॉग्नाइज किया होगा ये स्टेप्स को। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है मशहूर कोर्ट हाउस। इसको कोर्ट हाउस बोलते हैं क्योंकि इसको फिल्मों में कोर्ट दिखाया जाता है, और कभी कभी इसको एज ए लाइब्रेरी, फिर या कॉलेज का कॉरिडोर, ऐसे बहुत कुछ चीज़ों में यूज़ किया जाता है। यही है कोर्ट हाउस का दूसरा साइड, जहाँ पे आप लोगों ने चर्च का जैसा बनाए हुए हैं, जिसको चर्च दिखाया जाता है कभी कभी। अभी यहाँ पे किसी का शूटिंग चल रहा है तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, किसी का सेट लगा हुआ है। तो अगर आप इस रास्ते से अंदर जाते रहेंगे तो आपको मिलेगा इंडोर स्टूडियोज़, जहाँ पे एसी रहता है, बहुत बड़े बड़े हॉल रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेट लगाया जाता है और फिल्मों के, सीरियल्स के, फिर एड के शूट किया जाता है। रास्ते पे अभी आएंगे व्हिस्लिंग वुड्स, जो एक इंस्टीट्यूट है फिल्म मेकिंग का, बहुत सारे कोर्सेज दिया जाता है, जिसको सुभाष घाई जी ने शुरू किया था। अभी भी शायद सुभाष घाई जी उसके साथ एसोसिएट है। तो ये इसका पीछे का गेट है, ये है व्हिस्लिंग वुड्स का गेट। ये है एड लैब जो अभी रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है। अभी तो टूट फूट गया, अभी है ही नहीं इसमें कुछ। यहाँ पे मैंने भी मूवीज़ किए थे, पहले एड लैब के नाम से जाना जाता था, अभी रिलायंस ने ले लिया। तो ये लैब है जहाँ पे निगेटिव विटिव का प्रोसेसिंग, प्रिंट विंट बनता था पहले ज़माने का, जो निगेटिव में शूट किया जाता था, तब का बात है ये। डिजिटल के टाइम पे भी ये चल रहा था, शायद कुछ हाल ही में ये बंद हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं फिल्म सिटी में एक एड फिल्म का एक्शन सीक्वेंसेस शूट करने। ये एड ऑलरेडी शूट हो गया था लॉकडाउन से पहले, लेकिन उसके कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बाकी थे जो आज हम लोग फिल्म सिटी के अंदर शूट कर रहे हैं। तो ज़्यादा शॉट नहीं है, 5-6 शॉट ही है, लेकिन उसके लिए हम लोग को शायद 4-5 घंटा लग जाएगा। वो फिल्म में आएगा हार्डली 4-5 सेकेंड के लिए, लेकिन उसके लिए हम लोग को पूरा दिन का मेहनत लगता है। आज हम लोग फिल्म सिटी में जो शूट कर रहे हैं उसका स्टंटमैन है अंकित भाई। अंकित भाई एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है, उनका खुद का एक टीम है और वो स्टंट का ट्रेनिंग भी देते हैं। फिर आपका कोई बाइक को एक मॉडिफिकेशन करना है तो भी वो करते हैं। तो चलिए अभी अंकित भाई से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। हाय, माय नेम इज अंकित गुप्ता, आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम ऑफिशियल एथलीट ऑफ केटीएम इंडिया एंड आई रिप्रेजेंट महाराष्ट्र। आई एम माय टीम नेम इज रॉस स्टंटर। इन 2006 आई डू दिस फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग एंड 5 times आई एम महाराष्ट्र चैंपियन, 2 times आई एम इंडियन चैंपियन एंड इन 2011 आई डन गिनीज रिकॉर्ड ऑल्सो 8.5 किलोमीटर नॉन स्टॉप। माई इंस्टाग्राम आई डी इज अंकित डॉट रॉस स्टंटर। थैंक यू। तो अंकित भाई है जो हमारे एड पे स्टंट कर रहे हैं, तो उनका एक इंटरव्यू, आपने छोटा सा इंटरव्यू देखा, उनको उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डाल दूंगा, उनको फॉलो कीजिए और सर को भी सब्सक्राइब कीजिए। सर एक बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं, लोगों को एक फिल्म बनाने के लिए बहुत लोगों का मेहनत लगता है, लेकिन सब हीरो और एक्ट्रेस को देख के खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत काफ़ी बैकग्राउंड में बाकी, जैसे हम लोग स्टंट करते हैं हमारा एक नाम भी नहीं आता है। तो प्लीज़ देखिए, सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। और आपको अगर बाइक रिलेटेड कुछ चाहिए, आप फॉलो माई इंस्टाग्राम में, तो जितने कॉल कीजिए मैं मैसेज। सर ट्रेनिंग भी देते हो ना? पता है, गिव अस ट्रेनिंग आल्सो, का ट्रेनिंग और आप चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको सेफ्टी गियर पहनना है। और ऐसा टीवी में देख के डायरेक्ट आप रोड पे नहीं चला सकते, काफ़ी सालों का स्ट्रगल है, मेहनत है। और मेरा कुछ हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कीजिए, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आएंगे सर। थैंक यू।
पबजी खेलता है? तेरे को पता है पबजी बंद हो गया? अभी मेरा तो नहीं हुआ। पबजी बंद हो गया 118 और ऐप बंद हो गया पबजी के साथ साथ, तो एक दो दिन में बंद हो जाएगा। टिकटॉक जैसे बंद किया था ना, पबजी भी बंद कर दिया। अभी एक दो दिन चलेगा उसके बाद बंद। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? स्कूल में पढ़ते हो। कौन से क्लास में? नाइन में। फिल्म सिटी में रहते हो? हाँ। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे। तो फिल्म सिटी में हम लोग का पैकअप हो चुका है, तो अभी हम लोग शायद ऑफिस जाएंगे और बाकी क्रू मेंबर्स हमारे चले गए ऑफिस। मेरे साथ एक जन है, मिलाता हूँ मैं आपको, किरण दादा। तो किरण दादा और मैं रुके थे हम लोग हार्ड ड्राइव लेने के लिए, जो शूट हुआ उसका फुटेज लेने के लिए, तो हार्ड ड्राइव मिल गया। चलो दादा, गर्मी कैसी है? बहुत गर्मी है, कड़क। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऑफिस, अभी नहीं दो घंटा पहले पहुँच गया था, लेकिन ऑफिस में कुछ काम था जिसमें मैं बिजी था तो कैमरा ऑन नहीं किया। अभी हम लोगों ने ऑन किया है। तो हमारे साथ है रहमान जी। रहमान जी आए भाई। रहमान जी लॉकडाउन में क्या किया? क्या आराम किया और क्या, घर में बैठ के आराम किया और क्या करें। रहमान जी हमारे बॉस के गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी, ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब आप पायलट हो? हवाई जहाज नहीं, आपका खाली पंख लगाना बाकी है आपकी गाड़ी में। सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। हम लोग बहुत थके हुए हैं क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग शूट कर रहे हैं, आदत नहीं रही। तो आज बहुत धूप भी था वहाँ पे, भी हम लोग बहुत थक गए थे, सब लोग थक गए थे। अभी भी मेरी आँखों में थकान है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, एक लाइक कीजिए, कुछ आपका सुझाव हो जो भी हो आपके बात वो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय। जैसे ये चला रहे हो वैसे तो मैं चला लूँ, जम्मू कर लूँ, कोई भी बाइक लाओ, साइकिल भी लाओ कर दूँ। संजय सर आपका क्या टिप्पणी है? एकदम ये बोले सही है भाई, स्कूटर भी जाएगा, स्कूटर भी जाएगा, साइकिल भी। अभी क्योंकि वो जंप करने का वो है ना, तो आराम से जाएगा। अभी ऐसे प्लान करो जंप तो मुश्किल होता है। बोलता हूँ नेक्स्ट में तेरे को लेने के लिए।